तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राबता हुआ है। पंजाब असम्बली तहलील होने पर मुमकिन पैदा होने वाली सूरतेहाल पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गवर्नर पंजाब बलीग रहमान को कुछ अहम हदायत देंगे। इसी हवाले से मजीद जानेंगे डेप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा से। जी हसन, आगाह कीजिएगा इस टेलीफोनिक राबते बारे। जी बिल्कुल, पंजाब में वजीर आला का असम्बली तहलील करने के मामले पर मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का वजीर आजम शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया और असम्बली तहलील होने पर मुमकिन पैदा होने वाली सूरत हाल पर जो है वो तफसीली तबादला ख्याल किया गया। और ये भी बताया गया, गुफ्तगू हुई कि मुमकिन तौर पर अगर मार्च या अप्रैल में आम इंतखाबात हो तो नून लीग की क्या हिकमत अमली होगी और कितनी पोजीशन मजबूत बनाई जा सकती है। इसके हवाले से जो पहले सर्वेस किए थे वो जो है वो गुफ्तगू में उनको जी जेरे को लाया गया और इसके हवाले से ये भी तय पाया कि कब जो है वो मरियम नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुंचेंगी और किस तरह अगर असमिया तहलील होती है तो नवाज शरीफ को कब जो है वो पंजाब में आकर अपने सियासी मामला को आगे लेके चलना चाहिए। इस सारे सूरत हाल पर जो है कुछ ही देर बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सदर आसिफ अली जरदारी से रब्ता किया और पंजाब में जो है सियासी मामला पर तफसीली डिस्कशन करने के बाद अब जो है कुछ देर बाद बताया जा रहा है कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग रहमान को बाकायदा फोन करके उनसे तबादला ख्याल किया जाएगा, उनको कुछ हदायत बाकायदा तबादला ख्याल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया हसन रजा, हमारे साथ मौजूद थे।